मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। वहीं 2016 में हरीश रावत सरकार के दौरान 450 शिक्षकों के तबादले जो निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें मूल स्कूलों में तैनाती न देने को लेकर फिर से मूल स्कूलों में जाने के निर्देश अधिकारी को दिए गए हैं। वहीं बीआरसी सीआरसी के पदों पर जिन शिक्षकों को मुख्य सचिव के द्वारा रिलीव नहीं किया गया, उन्हें रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने ऐसे मुख्य शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सीमेट और एससीईआरटी मौजूद अपात्र शिक्षकों को भी स्कूल भेजने के निर्देश दिए गए। कई मास पहले निर्देश इसमें हो चुके थे कि सीआरसी बीआरसी हाई कोर्ट का भी आदेश है कि उनको मूल पद पर जाना चाहिए और विभाग इसका निर्णय ले, सरकार निर्णय ले। तो जहां जहां जिलों में इसका पालन किया गया वह अधिकारी स्वागत के योग्य हैं, लेकिन जिन अधिकारी ने इसका पालन नहीं किया, हमने जो हमारे विभागीय सचिव हैं इनको मैंने निर्देश दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले, कार्रवाई करें।